नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। क्रिसमस नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, 5 सेक्टर में बांटा शहर अतिरिक्त जवान तैनात। हिल्स कवीन शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इस वीकेंड पर शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों के एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। फेस्टिवल सीजन के लिए शहर के निजी होटलों और पर्यटन विकास निगम ने खास पैकेज जारी किए हैं। क्रिसमस से एक हफ्ते पहले ही शिमला सैलानियों से गुलजार हो गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच HPCA अध्यक्ष को कमेटियां बनाने का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मार्च माह में प्रस्तावित भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन HPCA अध्यक्ष करेंगे। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में पिछले कल HPCA अध्यक्ष RP सिंह की अध्यक्षता में हुई अपेक्स कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। वहीं बैठक में आगामी क्रिकेट सीजन पर चर्चा की गई, जिससे अधिक से अधिक क्रिकेट प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन कर नई प्रतिभाओं को तराशा जा सके। इस दौरान HPCA के उपाध्यक्ष अमिताभ शर्मा, सचिव अवनीश परमार, सह सचिव विशाल शर्मा, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह और अपेक्स कमेटी के सदस्यों में मनु शर्मा, चंद्रशेखर मेहता, नैन कटोच और वजिंदर शर्मा मौजूद रहे। हिमाचल में डीलरों को नहीं आने दी जाएगी सीमेंट की कमी। भले ही अदानी समूह ने अंबुजा और ACC सीमेंट प्लांट में ताले लगा दिए हैं, लेकिन प्रदेश के सभी डीलरों को आश्वासन दिया जा रहा है कि सीमेंट की कमी नहीं आने दी जाएगी। कई डीलरों को फोन पर भी प्रबंधकों ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट की कमी नहीं आने दी जाएगी। दारला घाट और बरमाणा में सीमेंट प्लांट बंद कर दिए हैं, मगर नालागढ़, रोपड़, रुड़की और भटिंडा के प्लांट अभी चल रहे हैं। प्रबंधकों का दावा है कि सभी डीलरों तक सीमेंट पहुंचाया जाएगा। पहले की तरह उन्हें मांग के अनुसार सीमेंट मिलता रहेगा। प्रदेश में अंबुजा और ACC प्लांट बंद होने के बाद डीलरों और ग्राहकों को सीमेंट की चिंता सता रही है। सीमेंट की कमी की चर्चा प्रदेश भर में चल रही है। लोग यह मान रहे हैं कि आगामी दिनों में सीमेंट की भारी कमी आएगी, मगर अब अदानी समूह ने डीलरों को इस तरह से ऑफर देना शुरू कर दिया है। रामपुर के आदित्य मांटा ने कराटे में हिमाचल को दिलाया कांस्य पदक। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के आदित्य मांटा ने ऑल इंडिया सब जूनियर कराटे प्रतियोगिता में हिमाचल को कांस्य पदक दिलाया है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता में 10 वर्ष की आयु वर्ग में आदित्य मांटा ने कांस्य पदक हिमाचल की झोली में डाला है। आदित्य मांटा ने 19 जून 2022 को जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में 10 वर्ष आयु वर्ग में रामपुर को स्वर्ण पदक दिलवाया था। 16 और 17 जुलाई को कांगड़ा के बैजनाथ में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शिमला जिले के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद आदित्य मांटा का नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। आदित्य मांटा रामपुर के चाकली देवठी क्षेत्र के रहने वाले हैं और रामपुर के गोजू रऊ कराटे अकादमी में 5वीं कक्षा के छात्र हैं। आदित्य के पिता पुमिल मांटा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, माता सीमा मांटा गृहिणी हैं। शहरी निकाय से 197 मनोनीत सदस्यों को किया बाहर, विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले के बाद शहरी विकास विभाग ने सभी शहरी निकाय में करीब 197 मनोनीत सदस्यों का मनोनयन समाप्त करने के निर्देश जारी किए। इस संबंध में प्रधान सचिव शहरी विभाग दिवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 57 नगर पंचायतों, नगर परिषद व नगर निगमों में मनोनीत किए गए पार्षदों को बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में शिमला समेत 5 नगर निगम है, वहीं शिमला में अभी चुनाव होने हैं, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में बीते साल ही MC के चुनाव हुए हैं। अब इनमें करीब 3.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षदों की जिम्मेदारी सौंपेगी। मकान की ऊपरी मंजिल पर भड़की आग, अंदर रखा सामान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली के खगनाल गांव में आज सुबह सुदर्शना ठाकुर के निवास में अचानक आग भड़क गई। आग से घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग मकान की ऊपरी मंजिल में लगी, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की सूचना है। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। TTR चौक परवाणु में कार से हेरोइन बरामद, शिमला के 2 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पुलिस की SIU टीम ने 2 लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।
एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि एसआईयू की टीम ने सूचना के आधार पर टीटीआर चौक परवाणु में नाका लगाया था। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि मनीमा माजरा की ओर से आ रही एक कार में सवार लोगों के पास हेरोइन हो सकती है। ये लोग हेरोइन का कारोबार कर रहे हैं। वहीं एक कार मनी माजरा चंडीगढ़ से सोलन की तरफ आ रही थी, जिसमें राजकुमार व धर्मेंद्र कुमार निवासी शिमला सवार थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर उनसे 4.23 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऋषि धवन ने रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास, 300 विकेट लेने वाले हिमाचल के पहले गेंदबाज बने। हिमाचल प्रदेश टीम के कप्तान व ऑलराउंडर ऋषि धवन ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा है। ऋषि धवन हिमाचल प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा हरियाणा के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किया। इसके अलावा ऋषि रणजी ट्रॉफी में 300 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के 39वें गेंदबाज बने हैं। ऋषि द्वारा यह इतिहास रचने पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA ने खुशी जाहिर की है। डुमहर कूणी मार्ग पर हादसा, कार खाई में गिरने से एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डुमहर कूणी मार्ग पर एक कार के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डुमहर के गांव झगाणा निवासी ब्रिजलाल 48 वर्षीय विगत रात्रि शादी समारोह से अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहा था। झगाणा के समीप डुमहर कूनी मार्ग पर गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब आसपास के ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, विकास कार्यों में गति लाए अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों में गति लाएं, केंद्र सरकार के साथ लंबित मुद्दों को तुरंत उठाकर सुलझाएं, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को और सुलभ एवं सुगम बनाने की दिशा में एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने पर बल दिया गया। CM सुक्खू बोले, हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी कलह नहीं, झगड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर कोई अंतर कलह नहीं है और झगड़ा केवल मुख्यमंत्री पद के लिए था, क्योंकि 3-4 दावेदार थे। अगर कुछ गलत होता तो राजस्थान जैसे हालात हो जाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में नहीं जाएगा और पार्टी की सरकार लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करेगी। समाचार एजेंसी PTI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सुक्खू ने कहा कि हमने वित्त सचिव से बात की है। एक रणनीति के तहत हम जानते हैं कि हमें कहां से पैसा लाना है और कहां निवेश करना है। हमने पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर काम किया है और हम इसे पहली कैबिनेट बैठक में पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह जल्द ही होगा। उन्होंने कुछ विधायकों की ओर से मंत्री पद के लिए पैरवी करने की खबरों का खंडन किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज किया, लेकिन स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ मची हुई थी। सुक्खू ने कहा कि तकरार पद के लिए थी, ये पार्टी की कलह नहीं है। 3-4 लोग मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने को तैयार थे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।